तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों हम Realme C33 का डिस्प्ले चेंज करके आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे इसमें डिस्प्ले लगाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह जो हमारा पहले वाला जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो बिल्कुल दोस्तों टूट गया है और इसका लाइट बत्ती सब जो है सो बंद हो चुका है। तो इसमें अभी हम दोस्तों पूरा जो है सो नया डिस्प्ले डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नया डिस्प्ले है जो कि दोस्तों ये क्राउन कंपनी का है। तो इसको अभी हम यहाँ पे इसमें डालेंगे। तो आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप लोग को मोबाइल में फोल्डर डालना है। और दोस्तों हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे हमारा ये मोबाइल रिपेयरिंग का पहला वीडियो है, तो आप लोग जो सो आराम से इसको देखिएगा ध्यान से। मैं दोस्तों 100% बोलना चाहता हूँ कि आप जो सो अगर एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया चल जाएगा कि कैसे जो सो मोबाइल में डिस्प्ले डलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले है। अभी सबसे पहले ये हमारा मोबाइल है, अभी हम इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। तो दोस्तों इसका ओपन करने का जो तरीका है वो, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको जो है सो सिम ट्रे को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों सिम ट्रे को पहले बाहर निकाल लेते हैं, और सिम ट्रे को दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद सिम ट्रे को जब बाहर निकालेंगे तो अभी हमारा अगला काम है इस ढक्कन को दोस्तों बैक पैनल को खोलना है। तो इस बैक पैनल को खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एक कटर को ले लेते हैं। और दोस्तों इस कटर से हम जो है सो इस तरह से कहीं भी कोने में फंसाएंगे इसमें, तो दोस्तों ये फंस जाएगा। देखिए यहाँ पे फंस गया है, और दोस्तों ये पहले से भी उखड़ा हुआ है तो हमको खोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद ये वाला है हमारे पास टेम्पर का जो कवर होता है, यानी कि जो टेम्पर का जो प्लास्टिक होता है डी प्लस का, इसको दोस्तों हम इसमें ऐसे कुछ फंसा के और इसको जो है ऐसे करके हम स्वैप करेंगे इस तरह से ऊपर की ओर धकेलेंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। और दोस्तों अगर ये थोड़ा सा टाइट लगता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दोस्तों थिनर है, थिनर के मदद से हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। और थिनर को दोस्तों देखिए यहाँ से एक एक बूंद इस तरह से हम डाल देंगे, तो दोस्तों ये और आसानी से जो है खुल जाएगा। यहाँ पे जब थिनर डालेंगे तो आराम से जो भी ग्लू रहता है वो दोस्तों आराम से निकल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये अभी हमारा बैक पैनल इसका निकल गया है। तो बैक पैनल दोस्तों इस तरह से हम हटा लेंगे, और ये वाला दोस्तों बैक पैनल जो है इसका ऊपर से खुलता है, तो इसको आराम से बिल्कुल उठा लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट का पत्ता यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है। और जिसमें दोस्तों फिंगरप्रिंट का पत्ता यहाँ पे रहता है उसमें दोस्तों आप लोग को बिल्कुल ध्यान से उठाना है, नहीं तो आपका फिंगरप्रिंट का पत्ता कट भी जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रोसेस है इसमें दोस्तों हम इसको इस मिडिल वाले रिंग को निकालेंगे बाहर। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोस्तों अभी इसको निकालने के लिए हम इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं और सभी को हम ओपन कर लेंगे। और दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम सारा स्क्रू को ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट यहां से स्क्रू को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे दोस्तों स्क्रू जो है सो हमने सारा ओपन कर लिया है। अब हम इसका मिडिल रिंग को बाहर निकालेंगे जो कि दोस्तों ये वाला हमारा ऊपर का ढक्कन है। और दोस्तों ध्यान देना है कि फिंगरप्रिंट का भी पत्ता इसी में लगा हुआ है, तो फिंगरप्रिंट को पत्ता को बचाते हुए हम कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम अपना नाखून फंसाएंगे और इस तरह से स्वाइप करेंगे। तो दोस्तों इसमें अगर इस तरह से नाखून आप लोग लगाइएगा तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ऐसे करके ये चारों साइड से कर दीजिएगा नाखून से कुछ इस तरह से। और दोस्तों अगर आपका नाखून से काम नहीं हो रहा है तो आप लोग को कुछ इस तरह से दोस्तों ओपनर है, ओपनर की मदद से दोस्तों आप इसको खोल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और दोस्तों ध्यान आप लोग को देना है कि आपका सारा स्क्रू जो है सो खुला रहना चाहिए। अगर आप लोग का एक भी स्क्रू यहाँ पे लगा रहता है तो आपका ढक्कन जो है सो टूट भी सकता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा फिंगरप्रिंट का पत्ता जो है सो वो बाहर निकल गया, और ये वाला जो है सो हमारा मिडिल इसका बाहर निकल गया। अभी हम दोस्तों ये सब को सब साइड में रख देंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप है दोस्तों वो है कि यहाँ से हम सबसे पहले इसको हटा लेते हैं कहीं ये कट नहीं जाए। तो इसको दोस्तों कुछ इस तरह से इसका कनेक्टर को हटाएंगे हम, और इसको भी दोस्तों हम साइड में रख देंगे। और साइड में रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी ने जुगाड़ करके रखा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करके दोस्तों हटा लेंगे और फिर से हम वापस लगा देंगे, क्योंकि हो सकता है इसका डिस्प्ले का पत्ता हिल रहा होगा, इसलिए इन्होंने किसी मिस्त्री ने यहाँ पे लगा के रखा है।
तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जो है बैटरी पत्ता को डिसकनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले का पत्ता है दोनों, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद दोस्तों ये हमारा बैटरी है। बैटरी को दोस्तों हमको सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको पकड़ना है दोस्तों, और इसको अपनी ओर खींचना है। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे ज़ोर से खींचेंगे तो ये आराम से जो है इसका बैटरी निकल जाएगा। इसको दोस्तों थोड़ा सा ऐसे करके खींचना है तो ये निकल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों बैटरी जो है सो इस तरह से खींचने से निकल गया है। अब इस बैटरी को जो है सो हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, और बैटरी को दोस्तों अगर आप लोग सीधा कीजिएगा तो ध्यान रहे नीचे कोई स्क्रू वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बैटरी आपका छेद हो जाएगा बैटरी में। इसको दोस्तों हम बिल्कुल सीधा कर लिए दबा के, हम बैटरी को भी साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ जो है सो मेन है इस डिस्प्ले को बाहर निकालना, पूरा पुराना वाला डिस्प्ले को। तो दोस्तों इसको हम कुछ इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो ये वाला देखिए यहाँ से निकल जाएगा। और दोस्तों ये वाला जो हमारा चार्जिंग बोर्ड में पत्ता अटैच है उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से, और दोस्तों इसको भी हम निकाल लेंगे। और बिल्कुल दोस्तों सावधानी पूर्वक से हम इसको बाहर कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें स्पीकर का जाली नहीं है। स्पीकर का जाली दोस्तों अगर कोई डिस्प्ले पहले से लगाया होगा तो स्पीकर का जाली फेंक दिया होगा, या तो उसने लगाया नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए उसको हम छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं। तो ये वाला देखिए दोस्तों हमारा पुराना वाला डिस्प्ले बाहर निकल गया है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला काम है वो दोस्तों हम इसमें नया वाला डिस्प्ले डाल के और अभी चेक करेंगे। अभी दोस्तों हम चिपकाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करेंगे। चेक करने से पहले दोस्तों आप लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों सबसे पहले इस बोर्ड को, मदरबोर्ड को हम बिल्कुल अच्छे से इस फ्रेम में बैठा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अगर टेढ़ा रहेगा तो हमारा सेट जो है सो वन नहीं होगा। तो दोस्तों नया डिस्प्ले यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा डिस्प्ले जो हम लगा रहे हैं इससे पहले इसको दोस्तों क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को पहले क्लीन कर लेते हैं किनारे को, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसमें डिस्प्ले लगाएंगे। तो दोस्तों ये बोर्ड बार बार बाहर निकल जा रहा है, तो चलिए इसको यहाँ से इस नेटवर्क वायर को यहाँ से हटा के और इस बोर्ड को भी हम बाहर में रख देते हैं। अभी दोस्तों हमारा जो अगला काम है वो इसको हम बिल्कुल अच्छे से पहले क्लीन करेंगे, क्योंकि पहले जो इसमें डिस्प्ले लगा है उसका ग्लू को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, ताकि हमारा डिस्प्ले जो है बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा और कहीं भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों ग्लू को बाहर निकालने के लिए हम जो है इस तरह से चिमटी का यूज करेंगे, और दोस्तों चिमटी की मदद से हम यहाँ पे इस तरह से कुछ फंसाएंगे और ऐसे ऐसे दोस्तों घिस के और हम सारा ग्लू को बाहर निकाल लेंगे। जितना भी दोस्तों इसमें कचरा है, जितना भी ग्लू है वो सब बाहर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका डिस्प्ले जो है सो प्रॉपर बैठ जाएगा और आपको बाद में दोस्तों कोई भी परेशानी नहीं होगा, जैसे कि ऑटो टच वगैरह का, लाइनिंग वगैरह का। तो आपको ध्यान से इसको पूरा अच्छे से दोस्तों क्लीन कर देना है, जितना भी दोस्तों पहले का इसमें कचरा है वो सभी को यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी किनारे को हम बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। अभी हम इस ब्रश को लेंगे और ब्रश से दोस्तों हम बिल्कुल अच्छे से ये सब को साफ सुथरा कर देंगे, ताकि डिस्प्ले का किनारे में हमारा दोस्तों थोड़ा सा भी कचरा नहीं रहना चाहिए इस फ्रेम के किनारे में। और दोस्तों डिस्प्ले इसमें डालने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रेम है दोस्तों वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर दोस्तों यह फ्रेम जो है टेढ़ा रहता है और अगर आप लोग उसमें डिस्प्ले डाल देंगे तो वहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले में कुछ जो है सो डॉट डॉट जैसा दाग आ जाएगा। तो आपको ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो है सो फ्रेम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह फ्रेम जो है सो बिल्कुल सीधा है, और दोस्तों जब मोबाइल जो है सो कोई पटक देता है तो वहाँ पर फ्रेम जो है सो टेढ़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये अपने आप जो है सो ख़राब हुआ है डिस्प्ले, इसलिए इसमें कोई भी मतलब फ्रेम टेढ़ा नहीं है और ये बिल्कुल सीधा है। तो आप लोग को ये बात को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मदरबोर्ड को यहाँ पे हम फिट करेंगे जिस तरह से पहले था। तो इसको दोस्तों फिट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको जो भी यहाँ पे कचरा दिखेगा सबसे पहले कचड़े को आप साफ़ कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए कैमरे में दोस्तों कचरा है, कचरा दोस्तों कैमरे में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कैमरा जो है पूरा का पूरा ब्लर आएगा। तो चलिए हमसे जितना हो सकेगा हम इस कैमरे को साफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों इस कैमरे को आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, हो सकेगा तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लगा दीजिएगा
इससे दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा जो है सो इसमें साफ हो जाएगा, आपको ज़्यादा दोस्तों छेड़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं तो दोस्तों कैमरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का नाजुक पार्ट होता है और इसको आप जितना मतलब घस उस देंगे तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करेंगे कि इसका थोड़ा सा जो ऊपर में धूल मिट्टी है वही आप लोग निकालें, ज़्यादा दोस्तों इसमें छेड़छाड़ आप लोग को नहीं करना है। और वापस दोस्तों इस रबड़ को हम यहीं पे लगा देते हैं और यहाँ से हम बोर्ड को बैठाते हैं। देखिए दोस्तों बोर्ड को बैठाने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले जो आपको खाँचा अंदर दिख रहा होगा उसमें इस तरह से आप लोग फंसाएंगे बोर्ड को और दोस्तों इस तरह से आप लोग को बैठा देना है। तो दोस्तों अगर ये बैठता नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती से दबाना नहीं है, फिर से आप लोग को उठाना है और दोस्तों जिधर से भी आप लोग को खाँचा मिलता है उधर से आप लोग बोर्ड को बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये बोर्ड जो है सो बैठ गया है, अब हम इसमें इस कैमरे को बैठा देते हैं। अब हम हमारा जो ये नया वाला फोल्डर है उसको हम डाल के चेक करेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसका कुछ भी नहीं उखाड़ेंगे अभी, क्योंकि हमको इसको सेट नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों हमको चेक करना है इसको लगा के, और इसका दोस्तों लगाने का सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ पे ये वाला पत्ता को कुछ इस तरह डालेंगे और ये वाला जो पत्ता है उसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। और इसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा ये देखिए वायर जो है इधर घुस रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए हमारा डिस्प्ले जो है सो प्रॉपर बैठ गया है। अब दोस्तों हम बोर्ड में अटैच करेंगे डिस्प्ले का जो हमारा पत्ता है उसको कनेक्ट करेंगे बोर्ड में। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड जो है सो बैठ गया है, अब हम इस वायर को लगा देंगे ताकि हमारा बोर्ड से ये बिल्कुल अटैच रहे, ताकि हमारा बोर्ड जो है सो बाहर नहीं गिरेगा। तो इसको दोस्तों लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप इसको खोले हैं तो, क्योंकि दोस्तों ये है नेटवर्क का एंटीना का वायर, अगर आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो आपका मोबाइल में जो है सो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों परेशानी होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम कुछ इस तरह से पहले लगा लेंगे। तो लगाने का दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लोग को कनेक्टर को बिल्कुल बीच में रख के और प्रेस कर देना है, तो दोस्तों आपका जो है सो कनेक्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ हाथ से आपको इस तरह से कर देना है और इसको दोस्तों ऐसे करके कुछ बिल्कुल सीधा कर देना है। और ये वाला दोस्तों जो लास्ट में हमारा बचता है जो कि चार्जिंग बोर्ड के लिए जो पत्ता जाता है उसको दोस्तों यहाँ से भी अटैच कर देना है। और यहाँ से दोस्तों जब आप इसको अटैच कर देंगे तो ये बिल्कुल जो है सो बैठ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको बैटरी को लगाएंगे, और बैटरी का दोस्तों देखिए लगाने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लोग बैटरी को इस तरह से कुछ रखेंगे और इस तरह से दोस्तों दबाएंगे तो ये दोस्तों लग जाएगा, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और दोस्तों मोबाइल को हम ऑन करेंगे। लेकिन दोस्तों मोबाइल को ऑन करने से पहले आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से दबा के रखना है और यहाँ से पावर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा मोबाइल में ऑन हो गया, यहाँ पे Realme लिखा हुआ भी आ गया, यहाँ पे देख लीजिए Realme दोस्तों लिखा हुआ है। अभी हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो है सो डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर ये अभी बिल्कुल अच्छे से हमारा डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा तो हम इसको अभी रिटर्न करके और दूसरा डिस्प्ले ले सकते हैं। जब तक दोस्तों हमारा इसमें टेप लगा हुआ है पीछे से और जब तक ये पन्नी चढ़ा है तो दोस्तों इसको हम 10 दिन के बाद भी घुमाएंगे तो दुकान वाला रिटर्न कर लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम देखिए इमरजेंसी कॉल में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों सभी को हम ऐसे ऐसे करके टच करके देखेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे और इसका ब्राइटनेस को देख लेंगे तो दोस्तों देखिए ब्राइटनेस भी सही से बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर इसका जो है सो चार्जिंग पत्ता हमारा जो डिस्प्ले वाला पत्ता है उसी से अटैच है, तो हम सबसे पहले इसमें चार्जिंग भी लगा के देख लेंगे थोड़ा। तो चार्जिंग का दोस्तों यहाँ पे देखिए चार्जिंग प्लग इन किया और यहाँ पे देखिए हाँ हमारा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा सभी चीज़ जो है सो प्रॉपर ओके है और अब हमको डिस्प्ले जो है सो इसमें फिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों हम एक बार इसमें और चेक कर लेंगे कि हमारा डिस्प्ले सही है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों लॉक खोल दिए हैं मोबाइल का, लॉक दोस्तों हमको कस्टमर ने बता के रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा डिस्प्ले जो है पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसका क्वालिटी भी एक नंबर है, क्योंकि दोस्तों एक क्राउन का डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, इसको खोल देंगे और हम अपना अगला प्रोसेस में आएँगे जिसमें दोस्तों हम डिस्प्ले को इस फ्रेम में चिपकाएँगे। तो इसको दोस्तों खोलने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले दोस्तों आप लोग को
बैटरी का पत्ता को डिस्कनेक्ट करना है, ना कि आपको सबसे पहले डिस्प्ले का करना है। तो सबसे दोस्तों आप लोग बैटरी का पत्ता को डिस्कनेक्ट कीजिएगा, और जब आप लगाइएगा तो सबसे बाद में आपको बैटरी का पत्ता लगाना है। तो पावर दोस्तों इसका डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम इस बैटरी को यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम सभी कनेक्टर को यहाँ से खोल लेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों ज़्यादातर डिस्प्ले में एक ही कनेक्टर होता है, और कई कई में ज़्यादा होता है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लिए और यहाँ से हम इसको निकाल लिए। तो दोस्तों ये हमारा तीनों कनेक्टर जो है सो बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों ये हमारा डिस्प्ले भी ओके है, सब प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम प्रोसेस करेंगे डिस्प्ले चिपकाने का। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो भी को हम रिमूव करेंगे, दोस्तों ये प्लास्टिक को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि भाई लोग जो है सो डिस्प्ले लगाते हैं लेकिन इसका प्लास्टिक ये वाला रिमूव नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस पन्नी को आपको रिमूव करना है कुछ इस तरह से, और पन्नी को दोस्तों आपको रिमूव करना है यहाँ पे देखिए, इसको इस ब्लू वाले प्लास्टिक को निकाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी एक प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान से निकाल देना है। तो दोस्तों ये काम आपको बिल्कुल आराम से करना है, और इसको दोस्तों आप जब लगाएंगे तो सबसे पहले इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे, और यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरह से आपको प्रेस कर देना है, ताकि दोस्तों ये जो है बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी करने के लिए, क्योंकि जब भी ये ख़राब होता है डिस्प्ले, तो यहाँ पे दोस्तों या तो पानी चल जाता है या तो कचरा चल जाता है, जिसके कारण दोस्तों डिस्प्ले जो है सो ख़राब हो जाता है। तो इसको दोस्तों एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला दोस्तों आइब्रो टेप है, इसकी मदद से दोस्तों हम यहाँ पर कवर कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हम इस टेप को काट लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर दोस्तों इस टेप को हम कुछ इस तरह से यहाँ से कैंची से काटेंगे, और यहाँ पे दोस्तों इसका हम आधा कर लेंगे। अगर आपके पास छोटा वाला टेप रहता है तो फिर आपको काटने का ज़रूरत नहीं, आधा करने का ज़रूरत नहीं है, आप पूरा लगा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमारा दोस्तों ये टेप बच गया, इस टेप को दोस्तों हम यहाँ से कवर कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए कवर करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा कवर हो गया है, ये थोड़ा इसको हम अच्छे से चिपका देते हैं ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। हाँ तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल प्रॉपर कवर हो चुका है। अब हम दोस्तों नाखून की मदद से इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से स्वाइप कर देंगे, और ये स्वाइप करने पे दोस्तों हमारा डिस्प्ले पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक चुका है। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रोसेस है, इसमें हम दोस्तों यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू लगाने का दोस्तों जो प्रोसेस है, तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्रेम जो है सो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा है। अगर कहीं पे भी दोस्तों थोड़ा सा भी कचरा रह जाता है तो डिस्प्ले दोस्तों प्रॉपर बैठेगा नहीं, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आपका फ्रेम जो है सो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जाली नहीं है, नहीं तो हमको जाली भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जाली को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से जाली नहीं है तो हम कहाँ से लगाएँगे। तो चलिए सब साफ़ कर देते हैं इसको। दोस्तों ये हो गया है साफ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या वाला ग्लू है। तो दोस्तों ये बिल्कुल न्यू ग्लू है, तो इसको हम इसको लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसका जो दोस्तों लगाने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से ऊपर वाले एरिया में लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ग्लू थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बाद में इसको हम हटा लेंगे। और इसको कुछ इस तरह से लाइनिंग बनाते हुए आना है और इस तरह से लगाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम ग्लू को निकाल दिए हैं। अब हमारा डिस्प्ले बिल्कुल लगने के लिए तैयार है। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ से इसको इस तरह से लगाएंगे जिस तरह हमने पहले इसमें लगा के चेक किया था। और इसको दोस्तों यहाँ पर लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको दबा देंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आप लोग को फिर कहीं और सीखने का ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में दोस्तों देख के और सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे से चारों साइड में चिपक चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस मदर को बोर्ड को हम फिर से बैठाएँगे, और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर देंगे और रबड़ मार देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने खोला था सेम टू सेम वैसे ही दोस्तों इसको पैक भी करना है। आप लोग को दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग को पूरा सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है सो हमारा लग चुका है।
अब हम इसको क्या करेंगे, बैटरी को भी लगा देंगे कुछ इस तरह से। जब दोस्तों हम बैटरी लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। दोस्तों ये लगता है बार बार जब बाहर निकल जा रहा होगा तो ही किसी ने यहाँ पे टेप मारा होगा, तो चलिए हम भी वही काम करेंगे, इसमें टेप मार देंगे बिल्कुल अच्छे से लगा के इसको। तो यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ को बैठा लिए हैं। अब हमारा दोस्तों जो अगला काम है वो इसको फिंगरप्रिंट को हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम मिडिल रिंग को बिल्कुल अच्छे से लगा दिए हैं, फिंगरप्रिंट भी दोस्तों हमारा लग चुका है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रोसेस जो होता है इसमें दोस्तों हम इस सभी स्क्रूप को कसेंगे। और दोस्तों ये हमारा सारा स्क्रूप है और इसको दोस्तों हम सभी को कस लेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे दोस्तों हम पूरा स्क्रूप जो है सो लगा दिए हैं। अब हम दोस्तों अपना सेट को वन करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा सेट बिल्कुल अच्छे से वन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बैक पैनल को चिपकाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों बैक पैनल चिपकाने से पहले आप लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों आपका बैक पैनल का जितना भी किनारा होता है उसका वो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो पहले वाला जो ग्लू रहता है उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देंगे। साफ़ दोस्तों जब आप कर देंगे तो इसमें जो भी बैक पैनल आप लगाएंगे वो दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा साफ़ हो चुका है। अब हम यहाँ से ग्लू लेंगे और ग्लू की मदद से दोस्तों हम इसको चिपकाएंगे जिस तरह से पहले ये चिपका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल साइड में आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा देना है चारों साइड। अब हम इसका ढक्कन को बंद कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इस बैक पैनल को बैठाएंगे। तो दोस्तों बैक पैनल को बैठाने का जो प्रोसेस है इस तरह से आप इसमें लगाएंगे और आपको ध्यान देना है कि इस कैमरे में कचड़ा वगैरह नहीं हो, नहीं तो दोस्तों कैमरा जो है सो ये धुंधला आना चालू हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम बिल्कुल अच्छे से देखिए बैठा लिए हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। जब दोस्तों ये हमारा पूरा फिटिंग हो जाएगा और इसका जब हम रबड़ लगा के खोलेंगे इसको, तो एक बार हम दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे से किनारा जो होता है इसका पेट्रोल की मदद से हम क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें जो भी ग्लू बाहर निकला हुआ है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सेट भी वन हो चुका है और यहाँ पर हमारा दोनों बैक पैनल और डिस्प्ले दोनों चिपक गया है। अब दोस्तों हम इसमें रबड़ मारेंगे। तो दोस्तों रबड़ जो है सो आप लोग को कुछ इस तरह से मारना है। देखिए रबड़ दोस्तों मारने का जो तरीका है, रबड़ मारने से पहले दोस्तों हम सिम ट्रे को लगा देते हैं ताकि ये इधर उधर भुला ना जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिम को बैठा लिए हैं और सिम ट्रे को हम इसके अंदर डाल दिए। अब दोस्तों हम इस रबड़ को यहाँ पर इस तरह से मार देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक साइड में तीन रबड़ को मारेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर रबड़ मारेंगे, फिर यहाँ पे हम एक बीच में रबड़ मारेंगे और इसी तरह से दोस्तों एक हमको नीचे रबड़ मार देना है। और दोस्तों रबड़ आपको ध्यान रखना है कि कुछ ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। दोस्तों ये नॉर्मल रहना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए एक रबड़ को हमने यहाँ पर इस तरह से मार दिया और अभी दोस्तों एक रबड़ हम ए साइड और मार देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ आप लोग को भी रबड़ मार लेना है। और रबड़ मारने के बाद दोस्तों आपको इसको लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों रबड़ जो है सो हमारा कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल अच्छे से हम रबड़ को मार दिए हैं और हमारा अब आराम से डिस्प्ले और बैक पैनल दोनों चिपक जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डिस्प्ले जो है सो कम्प्लीट लग के तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा लगभग जो है सो इसको हम 1 घंटा रख दिए हैं। अभी इसका जो है सो गम बिल्कुल अच्छे से सूख गया होगा। अब हम इसमें आराम से इस रबड़ को खोल देंगे और टेम्पर्ड ग्लास लगा के दोस्तों कस्टमर को दे देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा, वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह से आपको और भी कई तरह के वीडियो चाहिए, जैसे कि दोस्तों मोबाइल में चार्जिंग जैक कैसे लगाना है, माइक कैसे लगाना है और कई तरह के दोस्तों मोबाइल में प्रॉब्लम आते हैं सभी को कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा वैसा मैं वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।